इडली के साथ जो करी, वेजिटेबल करी, दाल भी उसमें मिक्स होती है, उसको सांभर कहते हैं। साउथ इंडियन फेमस डिश है सांभर, और इसकी तैयारी भी यहाँ पर जारी है। तो उसके अभी हमारे शेफ कालिस जो है, शेफ कालिस गुड इवनिंग, आप शेफ कालिस हमको बताइए कि सांभर के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑयल गरम करके, जी जी ऑयल गरम करके मस्टर्ड जी जी, ये मस्टर्ड सीड है, मेथी सीड है, रेड चिली होल, लाल मिर्च, करी पत्ता जी, ऑयल में डालना है। ओके, और ये बहुत, ये तो मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल लग रहा है, बताइए कौन कौन से वेजिटेबल इसमें? कैरेट, रेड पम्पकिन, व्हाइट पम्पकिन, एग प्लांट है, और जो ब्रॉ बनाना है कच्चा बनाना है जी जी, और ये स्पाइसेस है जो आप शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर जी जी, चिली पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सांभर पाउडर, सांभर पाउडर भी ठीक ठीक, और ये हींग, हींग भी अच्छा इसमें आप ऐड करेंगे ठीक। तो ये हींग का क्या फायदा इसमें ऐड करने का? नहीं, हींग डालने जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा ठीक। तो ये हो गया, ये जो है टोमेटो स्लाइस करके रख दिए गए, चॉप कर दिए गए, टैमरिंड, ये जो है शेफ बता रहे तमरिंद यानी इमली जो है पकी हुई इमली का पेस्ट और तैयार किया गया, सॉफ्ट के लिए डाल दिए गए। और शेफ जी बताइए शेफ क्या है? दाल, तूर दाल, तूर दाल शेफ बता रहे हैं। तो आपने इसको बॉयल कर लिया, आपने इसको बॉयल कर लिया, इसमें क्या क्या चीज़ ऐड किया? टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट इसके अंदर, और चेस्ट दाल इसको आपने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया ठीक है। बहुत शुक्रिया शेफ आपका। तो भैया शेफ अभी आप इसको पकाने लगे, हम लोग बनाएंगे जी, आइए जी व्यूअर्स। ये ब्रॉड पैन के अंदर ऑयल जो है हीटअप हो चुका है, कॉर्न ऑयल। अब ये शेफ इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं, इसको रोस्ट करेंगे ऑयल में, बहुत अच्छा बड़ा कुंडलियों जैसी छूटने की आवाज़ आ रही है इसके डालते ही। और ये शेफ ने मिक्स वेजिटेबल भी जो है स्टार्ट करेंगे, 6 से 7 किस्म के लिए वेजिटेबल है, कैरेट है, एक बार हमें बनाया गाजर है, कच्चा केला है, इसके अंदर प्याज है, और इसके अंदर जो है ना पम्पकिन है, लॉन्ग पम्पकिन है जी। शेफ बताइए थोड़ा सा हमको, ये बोलिए। अच्छा, इसमें आप शेफ मसाला ऐड करने लगे, जो मसाले थे क्योंकि छपरी तकरीबन अच्छी तरीके से पक गई है, अभी इसके अंदर मसाले जो थे उन्हें जैसे हमने आपको पहले दिखाया वो डाल रहे हैं इसके अंदर, और इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से, मसाले भून जाएंगे इसके अंदर। शेफ आप क्या ऐड कर रहे हैं? शेफ ये बताइए थोड़ा सा, टमरिंड पेस्ट है ये, जो पानी इमली जो है पानी के अंदर सॉफ्ट कर ली गई थी जी, उसका एक्स्ट्रैक्ट जूस डाला जाएगा इसके अंदर, ये देखें इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है। इसके अंदर शेफ ऐड कर रहे हैं सब्जियों को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, ये हॉट वाटर है, टैप वाटर है हॉट, शेफ ये कितनी देर बॉयल होगा, कितनी देर पकेगा इसमें? 2 मिनट, 2 मिनट शेफ बताएं, 2 मिनट ये जो है ना इसमें इमली के एक्सट्रैक्ट में, जूस में, इमली के रस में और पानी में ये 2 मिनट पकेगा। जी शेफ, शेफ टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सब्जी को दबा के, 2-3 जो इसके अंदर सब्जियां जैसे गाजर है और रॉ बनाना, कच्चा बनाना, हरा केला, ये थोड़ा हार्ड होता है, बाकी पम्पकिन, कद्दू जो है वो और दूसरी चीज़ें सॉफ्ट हो गई, पक चुका है। शेफ बता रहे हैं कि हाँ ये सॉफ्ट हो गया। अब शेफ इसके अंदर आप ये जो दाल, तूर दाल है बॉयल कर ली गई थी, ये शेफ ने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा
तूर दाल को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद शेफ इसके अंदर तकरीबन एक लीटर वाटर शेफ ने इसके अंदर पानी जो है हॉट वाटर जो इसमें ऐड किया है और ये मुसलसल इसको मिक्स किया जा रहा है आपस में ताकि सब चीज़ें एक साथ मिल जाएं यकजान हो जाएं। ओके प्यारे व्यूअर्स ये देखिए तकरीबन शेफ ये पकने के करीब हो गया हो चुका है पक चुका है ये शेफ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर फ्रेश कोरिएंडर हरा धनिया शेफ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चॉप करके रख दिया गया था पहले बड़ा अच्छा कलर लग रहा है ये बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है सांभर का कलर और उसके बाद ये इसमें रेड चिलीज हैं और ये शेफ ने इसके अंदर हरा धनिया कोरिएंडर फ्रेश ऐड किया है खुशबू भी बहुत अच्छी सी आने लगी है प्यारी व्यूअर्स ये बिल्कुल रेडी है रेडी टू ईट है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है इसको शेफ जो है पॉट में ब्रेड पैन से निकाल कर पॉट में जो है पॉट फिलअप कर रहे हैं देखिए आप लोग इसको मैं क्लोजअप में आपको दिखाता हूँ शेफ जो है वाश बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर और जो है इसका बहुत अच्छा आ रहा है थैंक यू प्यारे व्यूअर्स ये रेडी टू ईट हो गया है बहुत मज़ेदार है मैंने शेफ ने अभी मुझे टेस्ट कराया जो शेफ आप थोड़ा सा बताइए हमको ये हम किन किन चीज़ों के साथ खा सकते हैं ये जो डिश है सांभर इडली के साथ सांभर डोसा के साथ डोसा के साथ भी खा सकते हैं पोंगल के साथ भी खा सकते हैं जी ये सब आपकी साउथ इंडियन फेमस डिशेज है और आपके और राइस के साथ भी खा सकते हैं राइस के साथ भी मज़ा देगा शेफ बता रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है शेफ थैंक यू आपका थैंक यू सो मच